सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे चैनल को देखने और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार के नवगछिया से एक एनजीओ की कहानी, जो महिलाओं के लिए काम कर रही है। हमारे जीवन में बहुत समस्या थी, उनको मशीन चलाना तक नहीं आता था, कैंची पकड़ने तक नहीं जानते थे, और उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही है। आगे प्लान है कि सर हम सिलाई सेंटर खोलना चाहते हैं, और उनके साथ साथ उनके परिवारों का जीवन भी बदल रही है। यहाँ आने के बाद हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया कि हम अब अच्छे से कमा लेते हैं, घर में हमको टेंशन नहीं है। कोई महिला जो है किसी जेंट्स का अधीन में नहीं रहना है, वो अपने पैर पे खुद से खड़ा होना है। नहीं पतिदेव आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जागुती भाई जागुती। श्री सत्येंद्र नारायण चौधरी उर्फ कौशल बाबू वकील साहब के नाम से अपने नवगछिया में जाने जाते हैं। कौशल बाबू नाम ही काफ़ी था, अपने नवगछिया समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। हमने देखा जब नवगछिया में बाढ़ की समस्या हो, नवगछिया को जिला बनाने की समस्या हो, नवगछिया में जब तुतली सिंह का आतंक था उसके लिए, जब नवगछिया में नक्सल का इशू था उसके लिए, तो हम लोगों ने सोचा एक ऐसा छोटा सा प्रयास यहाँ पे किया जाए जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को उनके नाम से हम लोग कुछ लाभान्वित कर पाए। आज कौशल बाबू के नहीं रहने के बाद भी नवगछिया समाज में कौशल बाबू हैं। उनके प्रेरणा से प्रेरित होकर आयुष आनंद और मितुल राणा, उनके दो सुपुत्र ने उनकी स्मृति में श्याम कौशल स्मृति संस्थान के तहत कौशल सिलाई केंद्र जन सेवा के लिए अपने नवगछिया में स्टार्ट किए, जिसके माध्यम से हम समाज के जो गरीब महिलाएँ हैं ना, उनको सिखा करके उनको कुछ रोजगार दिया जाए। तो शुरुआती में मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि कैसे महिलाएं आएंगी समाज से, तो दो चार दस दिन तक मुझे ऐसा फील हुआ। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे संख्या आना चालू हो गया, और गांव से समाज से दीदी बहनें आने लगी। मेरा नाम कुसुम कुमारी हुआ, घर भवानीपुर, मैं कुर्सला के रहने वाली हूँ। हम मैरिड हैं, हमारे ससुराल वाले हमको हेल्प नहीं करते हैं। मालपुर से आते हैं, और मेरा उम्र 50 है। बी सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं नर्स का। सिलाई सीखने के लिए बहुत दिन से प्रयास में लगी थी मुझे, मगर कहूँ 2000 मांग रहा था, कहूँ 3000 मांग रहा था, मगर पैसे की दिक्कत से मैं नहीं सीख पाई। सबको देखते थे सीखते हुए चलाते हुए मशीन, तो हमको भी शौक था कि हम भी चलाएं, हम भी थोड़ा कुछ सिलाई करें। श्याम कौशल स्मृति संस्थान के बारे में हमें अपने घर के आसपास से पता चला। श्याम कौशल सिलाई केंद्र के बारे में हमें गांव के एक लेडीज से पता चला कि यहाँ पे निःशुल्क सिखाया जाता है। जब पहली बार हम यहाँ पे आए थे तो हमको मशीन चलाना तक नहीं आता था, कैंची पकड़ने तक नहीं जानते थे ना, तो सिलाई यानी कि मशीन चलाने जानते थे, और अभी हम कैंची पकड़ने भी जानते हैं, और कटिंग करने भी जानते हैं, और सिलाई करने के लिए भी जानते हैं। हमारे यहाँ के सर तरुण सर हैं, वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं हमें। एक दो बार में समझ भी नहीं आते हैं तो फिर भी अच्छे से समझाया जाता है, और गुस्साते नहीं हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं। एक बार में इनके समझ में आ जाते हैं। हम और कहीं सीखे थे दो जगह, उनको समझ में नहीं आ रही थी। अपने सिलेबस में जैसे पेटीकोट है और ब्लाउज है, कई 3-4 प्रकार का ब्लाउज है, सूट है, सलवार है, हाफ पैंट जो स्कूल ड्रेस में चलता है, हाफ पैंट इंग्लिश पैंट जिसको कहा जाता है, शर्ट है, फुल पैंट है, कुर्ता है, पजामा है, कुल मिलाकर के 10 आइटम हम उन्हें सिखाते हैं इस 3 महीने में। हमारे यहाँ जो अभी प्रशिक्षार्थी यहाँ पे सीख रही हैं, जो योग्य हो गई हैं, उनको सेंटर के द्वारा भी हम लोग काम देते हैं। जैसे नवगछिया समाज में कपड़े की व्यवसाय करने वाले हैं, उनका पेटीकोट का जो कपड़े होते हैं उसको हम लोग यहाँ सिल के फिर उनको देते हैं। सिलाई का जो चार्ज होता है वो हम लोग शिक्षार्थी को देते हैं। इसके अलावे हमारा सेंटर का मेन उद्देश्य है कि जो भी शिक्षार्थी हमारे समाज के यहाँ आ रही हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उनके पास कुछ ऐसी स्किल हो जाए कि वो खुद से स्वरोजगार जुटा सके, कुछ कर सके और स्वावलंबी हो। पढ़ाई के साथ साथ हम एक NCC कैडेट हैं, तो हमको लगा कि हमको NCC के साथ साथ हमको सिलाई मशीन भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ अगर सीखे हुए रहेंगे तो हम अपने से पैसा कमा सकते हैं। हमारे बस्ती में सारे कोई सीखते हैं, सारे कोई चलाते हैं, तो हम भी सोचते हैं हम भी कुछ करें, हम भी बनाएं और खुद अपने पहने, दूसरे को सिखाएं, मदद करें। मेरे घर वाले हमें अच्छा सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड भी अच्छा सपोर्ट करते हैं, मेरी सास भी अच्छा सपोर्ट करती हैं, मेरी मम्मी भी सपोर्ट करती है, प्लस में मेरी ननद तो सबसे अच्छा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अभी मुझे 10,000 का मशीन खरीद के दे दिए,
कि तुम घर में आके वहाँ सीखो और यहाँ आके भी प्रैक्टिस करो। मेरे घर वाले बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, कहते तुम सिलाई सीखने जा रही हो अच्छे से सीखो और कि उसे दो पैसा भी कमाओ जो कि तुम्हारी जरूरत को पूरा करे। घर वाले पूरा सपोर्ट है और हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट है, रोज आके हमको पहुंचा देते हैं कि सीखो तुम, अपना किसी को खुशामत नहीं करना पड़ता। को फैंसा पार्टी होता है हम उसी को सीने के लिए देते हैं, वह टाइम पे सीख के नहीं देती, हम खुद अपने से सीख के पहनते हैं। बहुत बदलाव आया है सर, हम लोग पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी इतना कुछ सीखे हैं तो हम घर में भी हम सिलाई कर सकते हैं, दूसरों हम लोग पैसा भी कमा सकते हैं इससे। पहले लगता था कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, पर अभी लगता है कि नहीं, इससे कुछ आगे चल के भी हो सकता है, हम अपना भी संस्थान खोल सकते हैं। पहले हम सोचते थे कि हम बेकार हैं, इसलिए घर में बेकार बैठे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जब हम यहाँ सिलाई सेंटर आना शुरू किए, यहाँ सिलाई तरुण सर से सीखना चालू किए, तो हमको अब लग रहा है कि नहीं, हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और हम अपने बच्चे को आगे भविष्य जो है इस सिलाई सेंटर के कमाई से बढ़ा सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत समस्या थी और हमारे जीवन में इनकम कम थी, तो हम सिलाई करना चाह रहे थे, तो यहाँ आने के बाद हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया कि हम अब अच्छे से कमा लेते हैं घर में, हमको अब टेंशन नहीं है पैसे की कि हमको कैसे हम क्या कर सकते हैं। पहले हमको बहुत टेंशन होती थी कि हम क्या कर पाएंगे, कैसे हम घर चला सकते हैं, हमारे पास दो बच्ची हैं, हम दिक्कत में रहते हैं, तो हम यहाँ से अब कमाते हैं तो हमको अब दिक्कत नहीं होती है। पहले तो अपना खड़ा जो कुछ सीखे, पर अपना घर का भी फैमिली का भी अपना कुछ बना बना के उसको दे, कुछ अपना दो पैसा भी हो गया, अपना पॉकेट भी हो गया, अपना पेट पॉकेट खर्चा भी अपना हो गया। आगे प्लान है कि सर हम सिलाई सेंटर खोलना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, खुद अपना बच्ची सबको सेंटर में तैयार करना चाहते हैं। महिला लोग को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो अपने घर में बेकार और बेसहारा बेमजबूर समझ रहे हैं, वो यहाँ जो है सिलाई सेंटर आए और सिलाई सीखे और अपने बलबूते पे खड़ा होइए। कभी भी मुसीबत कभी भी आ सकती है, पति छोड़ दिया चाहे कुछ भी मुसीबत हुआ, तो हम हमारे पास ये हुनर रहेगा तो हम तो कमा के खा सकते हैं ना। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि निःशुल्क सिखाया जाता है, यहाँ पर एक भी पैसा नहीं लगता है, कहीं भी जाते हैं तो 500-1000 रुपया भी लेते हैं और उतना ढंग से सिखाते भी नहीं हैं, उतना समय भी नहीं देते हैं। यहाँ पर सुबह 10 बजे आते हैं, 4 बजे तक रहते हैं, पूरा समय मिलता है। सिलाई सीखना कोई ख़राब बात नहीं है, अच्छी बात है, भविष्य में सीखना चाहिए और हुनर कला किसी भी वक्त काम आ सकता है। सबसे पहले हम श्याम कौशल स्मृति संस्थान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि औरत को लेडीज को जितना भी है सिखाने का मौका दे रहे हैं। श्याम कौशल समिति संस्थान को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, यहाँ पे अच्छा यानी कि सिलाई सेंटर खोले हैं और यहाँ पे बहुत सारी दीदी एवं चाची बहन सब जितनी भी है सब कोई सीखने के लिए आती है और भी बहन सबको सीखने आना चाहिए, ये निःशुल्क है। श्याम कौशल समिति संस्था को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें ये कला हमें सिखाया और हमने सीखा, जो हमें अब कोई टेंशन नहीं रहेगी, हम अपना जीवन कहीं भी रह के अपना जीवन आराम से जी सकते हैं। मेरा आज कोर्स कंप्लीट हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे निःशुल्क सिखाया लेकिन बहुत अच्छी तरह से सिखाया। मेरा फर्स्ट बैच का लास्ट डे है, आज के बाद ये सभी दीदी का अपने अपने जगह पर चली जाएंगी और मेरे तरफ से सभी को शुभकामना रहेगा कि आप अपने अपने जगह पे जाएं और अपने अपने काम को चालू करें और जिनको लगेगा कि काम हमें नहीं मिल रहा है वो फिर से इस संस्था में संपर्क बनाए रखें। हम लोग कौशल सिलाई केंद्र में उपस्थित हैं और आज प्रमाण पत्र सम्मान समारोह हम लोग यहाँ मना रहे हैं। महिलाओं के विषय में कहा गया है कि फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं। वह जोरदार तालियां इस भारतीय नारियों के लिए। किसी भी महिला का आकलन, उसकी शक्ति का आकलन इस पृथ्वी पर करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और आप जो भी लोग यहां से प्रशिक्षित हुए हैं, मैं आपसे कहूंगा कि इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित करके इस समाज के विकास में हिस्सेदारी में और सामने आने के लिए प्रेरित करें। एक छोटे से प्रयास से इस गाँव में हमने उनको सिलाई का 3 महीने का प्रशिक्षण दिया, वो जा करके कुछ सिलाई के रूप में कुछ काम करेगी, उससे उनको जो राशि प्राप्त होगा तो उनके अंदर एक स्वाभिमान भी जागृत होगा और अपने परिवार को अपने आगे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाएगी। जितना भी महिला बेरोजगार है उसको भी सिखाओ और हर महिला को घर घर ये संदेश पहुंचाओ कि कोई महिला जो है किसी जेंट्स का अधीन में नहीं रहना है, वो अपने पैर पे खुद से खड़ा होना है। ज्यादा करके सम्मान हम देंगे अपने पतिदेव को जो कि महिलाओं के आगे बढ़ाए हैं,
नहीं पति देव आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सभी माताओं बहनों से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। आपने इस तरह स्वावलंबन बनने के लिए, अपने हाथों से स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए इस सिलाई प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र लिया है। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और आगे आप अपने क्षेत्र में जो भी महिलाएं हो, जो गरीबी से जूझ रही हो, जो कुव्यवस्था से जूझ रही हो, उनको भी प्रोत्साहित करें, इस तरह के स्वावलंबी रोजगार की योजना को अपनाएं और प्रशिक्षण का कार्यक्रम करें, प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र लें। जाग उठी भाई, जाग उठी, जाग उठी भाई, जाग उठी, नारी शक्ति जाग उठी, जाग उठी भाई, जाग उठी, नारी शक्ति जाग उठी। अंत में कौशल बाबू को नमन करते हुए समस्त आगत अतिथियों का स्वागत, माँ गंगा, कोसी और समस्त ईश्वरीय ऐसी ताकतें जो यहाँ विराजित हो, नहीं भी हो, जिनका आशीष है, सबों को हम वंदन अभिनंदन चंदन करते हुए इस महान कार्यक्रम के इस महान बेला को शब्द से प्रणाम करते हैं और सभी अतिथियों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कौशल सिलाई केंद्र अपना हॉस्पिटल रोड नौगछिया अस्पताल गेट के पास गिरजा तीर्थ कौशल बाबू के मकान में ही चलता है। यहाँ पे निशुल्क अपने समाज के हर एक वर्गों के लिए सिलाई सिखाया जाता है। आप लोग भी आएं और इस सेवा का जरूर लाभ उठाएं।